Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. Good morning everyone, मेरा नाम गोलक चंद्र बेहरा, Vestige में क्राउन डायरेक्टर, पर मंथ इनकम 2 लाख। दोस्तों आज हम बात करेंगे सपनों की। दोस्तों सपने, फोकस और गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। जिंदगी बेगर सपनों में अधूरी सी लगती है। किसी ने सच ही कहा है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। दोस्तों हर इंसान के दिल की गहराई में एक सपना छुपा होता है। वो सपने को पूरा करने के लिए क्या आपने एक कदम उठाया? दोस्तों अगर आपके सपने हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते, और ये जैसे हमारे अंधेरे में हमारा परछाया हमारा साथ छोड़ देता है, ऐसे हमारा सपना कभी हमारे साथ नहीं छोड़ेगा। और ये आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, आपको प्रेरित करता है आपके लाइफ को आगे ले जाने के लिए। सपने तो हमारे पास होते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होता है, और डायरेक्शन नहीं थी। थैंक्स टू बेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग, आपके सपने कितना भी बड़े हो क्यों ना, यहाँ पर आपके सपने पूरा होता है। दोस्तों आइए जानते हैं सपनों को हकीकत में कैसे बदलते हैं। सुनना चाहेंगे तो हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हमारे सपने को पूरा करने के लिए गोल सेट करना जरूरी है। हम अपने लाइफ में बिना गोल सेट करे हुए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं गोल बनाने के फायदे के बारे में। सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। गोल बनाने से हमारी लाइफ को सही दिशा मिल जाती है, आप हमेशा हैप्पी और एक्साइटेड रहेंगे। यूज ऑफ टाइम, ये टाइम का सही इस्तेमाल। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जब निगाहें चांद पर होता है आपके, तो रास्ते में कितना भी पत्थर और कंकण आए तो आप उसको पार करके चांद तक पहुंच सकते हो। मोर सक्सेस, अनलॉकिंग पोटेंशियल। अक्सर लोग जिंदगी में अपने सपनों को हासिल करने के लिए गोल सेट करने से घबराते हैं, क्योंकि वो फियर ऑफ द फेल्यूर, वो असफलता से घबराते हैं। लैक ऑफ एम्बिशन, उन्हें कुछ हासिल करने की रुचि नहीं होती। फियर ऑफ रिजेक्शन, ना से डरना। प्रोकास्टिनेशन, टाल मोटोल करना, अपने पर भरोसा नहीं होता। इग्नोरेंस ऑफ इंपोर्टेंट ऑफ गोल। दोस्तों गोल्स हमारा स्मार्ट होना चाहिए, SMART। एस बोले तो स्पेसिफिक, जैसे हमारा दिमाग एक स्पेसिफिक मैसेज को रिसीव करता है बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। गोल्स बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि अगर किसी को बेस्टीज से 50,000 महीना कमाना है 2019 के आखिर तक, तो इसी प्रकार का वो लिखेगा, मेरा इनकम बेस्टीज से पर मंथ 50,000 आ रहा है। देन आते हम एम, स्टैंड फॉर मेजरेबल, जिसको आप नाप सके। ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आपका टारगेट थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप सही प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हो तो आप पूरा कर सकते हो अपना टारगेट। दोस्तों आर बोले तो रियलिस्टिक, यहाँ पर आपके अपने ऊपर अगर विश्वास है तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बेस्टीज में यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, बेस्टीज ने हकीकत में बदल दिया। जैसे एक नॉर्मल आदमी, आम आदमी 1 लाख से लेके 70 लाख कमा रहा है, यहाँ से कई सारे लग्जरी गाड़ियाँ ले चुके हैं, जैसे ऑडी, BMW, जागुआर, रेंज रोवर, और आने वाला कल में अभी आप अपने चौपड़ भी लेने वाले बेस्टीज वाले। टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड, टाइम अगर आपने निर्धारित नहीं किया तो आपके लाइफ में और आपके ड्रीम उसी दौरान पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 साल के अंदर आपके लाइफ के सपने पूरा हो सकता है। यहाँ पे अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से आपका फोकस और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितने तेज़ी से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे, उतनी तेज़ी से आपके सपने हकीकत में बदलेंगे। दोस्तों ये है स्मार्ट गोल्स। दोस्तों आपके ड्रीम्स रिटर्न होना जरूरी है, एक ड्रीम बुक बनाना जरूरी है आपको। दोस्तों जब आपका सपने को
ड्रीम बुक में लिखते हो वो फैसला बन जाता है। आपके लक्ष्य आपके नजरों के सामने होता है, आपके नजरे बार बार वो ड्रीम बुक में पढ़ता है और आपका लक्ष्य बार बार आपको याद आता है। आप उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेते हो और कमिटेड हो जाते हो, आप प्रतिबद्धता हो जाते हो अपने ऊपर। आपकी ड्रीम बुक आपकी भविष्य की एक छवि है। ये आपके जीवन में आशाओं सपने और लक्ष्य को निर्धारित करता है। दोस्तों एक कहावत है, एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। आपकी भावना के साथ चित्र आपके सबकॉन्शियस माइंड पे रहता है, हमारे सपने को पूरा करने के लिए शक्ति देता है। आइए जानें ड्रीम बुक कैसे बनाएं, अपने लक्ष्य को स्थापित करें। आपकी ड्रीम बुक आपके भविष्य के लिए सपनों का छवि है। सोच समझकर अपने लक्ष्य को समझे, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। चित्र एकत्रित करें। जब आप चित्रों को इंटरनेट मैगजीन या कहीं से भी एकत्रित करें तो ध्यान दें, ये चित्र ना केवल आपके अंतिम लक्ष्य का रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि आपके भावनाओं को भी दर्शाते हैं। अपना लेआउट बनाएं, अपने ड्रीम बुक की सबसे पहले डिजाइन बनाएं। आपकी द्वारा बनाए गए लक्ष्य को उनकी इंपोर्टेंस के अनुसार रखें। अपनी पिक्चर्स को सॉर्ट और अरेंज करें। कुछ स्पष्ट और चुनिंदा तस्वीर अधिक तस्वीरों से ज़्यादा सेवा प्रदान करेगी। अपना कोलाज बनाएं, इस पर अपनी छाप छोड़ें, चाहे कुछ लिखें। इसी ड्रीम बुक को हर रोज देखें। माय डियर फ्रेंड्स, अपना ड्रीम को विजुअलाइज करिए पैशन के साथ, इमोशन के साथ। सुबह उठकर अफर्मेशन करें। पूजा हम सभी करते हैं, क्यों ना अपना सपने को विजुअलाइज करें। इससे हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं जिसकी आपने कामना नहीं की होंगे। दोस्तों आज से कुछ साल पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कुछ सर्वे हुआ था। पास आउट करने वाले बच्चे के ऊपर ये सर्वे हुआ था। उन्होंने उनके डाटा कलेक्ट किया ताकि उनका ट्रैक किया जा सके। वो इन्हें स्टूडेंट के संपर्क में रहे। लगभग 10 साल के बाद जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वालों ने वो स्टूडेंट के साथ बातचीत की, उनके बारे में पूछा, उनने क्या हासिल किया ज़िंदगी में, ये पाया 80% जो स्टूडेंट है वो एवरेज लाइफ जी रहे थे, 15% स्टूडेंट सक्सेसफुल थे और 5% स्टूडेंट सुपर सक्सेस थे। ये तीनों के फर्क आप जानकर चौंक जाओगे। जो 80% स्टूडेंट थे वो तो उनके पास सपने तो थे लेकिन वो सपने को गोल में लिखे नहीं थे, और 15% स्टूडेंट सपना और गोल तो थे, उन्हें लिखा भी। और दोस्तों जो सुपर सक्सेसफुल थे 5%, उन्होंने सपने को लिखा भी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उनके सपने के ऊपर उनका फोकस था। जितने भी बड़े बाधाएं ऑब्स्टाकल आए वो डगमगाए नहीं। दोस्तों जब हम कोई भी बड़ा काम करने के लिए निकलते हैं कुछ बाधाएं आएंगे, ये स्वाभाविक है। कुछ नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको जो आपको आगे बढ़ने में रोकेंगे। एक साधारण व्यक्ति इन्हीं लोगों के बातों में आ जाता है, उनकी राय को अपने राय बना लेता है। पर सक्सेसफुल लोग नेगेटिव लोगों के बातों में नहीं आते, वो अपने गोल के प्रति फोकस रहते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको नदी में कूदना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किनारे में अगर 10 साल भी रहेगा कभी वो स्विमिंग कर ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आप वो बाधाओं को खत्म करने का इंतजार करेंगे, आपका सपना सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। सपनों को हकीकत में बदलने का एक ही रास्ता है, हिम्मत करके बाधाओं के सामने खड़ा हो जाओ। आपका ये फोकस सुरक्षा कवच बन जाता है। विनर्स ऑलवेज फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी, यानी संभावना के ऊपर फोकस। दोस्तों आप अर्जुन बनो और एक बिंदु पर फोकस करके आप योद्धा बनो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं हमारे पास योग्यता नहीं है, लेकिन ये बात सच नहीं है। सच ये है आप उस पर काम करके ज़्यादा सीखोगे, ना कि इंतजार करने से। क्योंकि सपनों के लिए काम करते समय आपका हुनर या योग्यता अपने आप आगे बढ़ती चली जाएगी। जब आप अंदर से टूट जाए या आपको घबराहट महसूस हो, ऐसे समय पर आँख बंद कर लीजिए। सोचिए कि आपके सपना पूरा हो रहा है, आप दूसरों के लिए उदाहरण बन चुके।
सभी की जुबान पर एक ही नाम है। ऐसे करने से आपको बूस्ट मिलेगा, एक कमाल की ऊर्जा मिलेगी। मैं तो इतना कहूंगा, आप अपने सपने को पूरा कर लीजिए, नहीं तो आप दूसरे के पास नौकरी करके उनका सपना पूरा करोगे। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। वी सी वेल्थ।